कैप्टन और सिद्धू की सियासी तकरार कहां और कैसे थमेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इसी बीच सिद्धू के एक ट्वीट ने पंजाब चुनाव पर अटकलों को तेज कर दिया है। दिल्ली में बैठकों का सिलसिला भी तेज हो गया है। आज खबर की तह में हम सिद्धू के राजनीतिक भविष्य की संभावनाओं, सिद्धू और कैप्टन क्या साथ आ सकेंगे, पंजाब कांग्रेस को लेकर क्या कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा फैसला ले पाएगा, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आप देखें। पंजाब चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हैं। सभी दल जहां तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं पंजाब कांग्रेस की कलह का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर भी राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की निगाहें टिकी हैं। कांग्रेस की कलह का पारा इन दिनों नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट बढ़ा रहे हैं। जी हां, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफों के पुल बांधे और सिद्धू के ट्वीट ने सियासी संभावनाओं का बाजार गर्म कर दिया। अलग अलग अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं। सिद्धू ने आपकी तारीफ की तो केजरीवाल भी तारीफ से गदगद दिखे। लेकिन इसी बीच सिद्धू को मनाने की कोशिश में जुटे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इसी कवायद में कांग्रेस के महासचिव और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि ये मुलाकातें कांग्रेस में सिद्धू के राजनीतिक भविष्य और संभावनाओं को लेकर की गई हैं। बनाया जा रहा है सिद्धू का पक्का साथ में, तो ये बात केवल कांग्रेस प्रेसिडेंट तय कर सकती। जैसे उनके दस्तखतों वाला कागज मेरे पास आ जाएगा, आई विल अनाउंस इट, तो मैं वो अनाउंस नहीं कर सकता। लेकिन और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनानी होती है, बहुत सारी बातें करनी होती है, तो दैट मीटिंग वाज विद राहुल गांधी जी। पार्टी में उनकी आगामी जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई, जो कि सिद्धू के ट्वीट ने उनके आप प्रेम को जाहिर कर दिया है। राजनीति के जानकार इसे उनके आप में शामिल होने के संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने सिद्धू के चले जाने के चुनावी असर को भी टटोला है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द ही पार्टी हाईकमान कोई बड़ा फैसला कैप्टन और सिद्धू की जंग के लिहाज से कर सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि करीब डेढ़ महीने से मुखर दिख रहे सिद्धू को हाईकमान कैसे मना पाता है, क्या फैसला लिया जाता है और क्या इस तरह का कोई फैसला संभव है कि पार्टी कैप्टन और सिद्धू को एक साथ लेकर चल पाए। कांग्रेस के लिए फिलहाल फैसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सिद्धू के ट्वीट प्रेशर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे में तस्वीर स्पष्ट हो जाने का इंतजार है। लेकिन इतना अभी से स्पष्ट है कि सिद्धू के मुताबिक जिम्मेदारी न मिलने पर वो पंजाब कांग्रेस और पंजाब चुनाव दोनों का खेल बदल सकते हैं। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और क्या क्या कयास लगाए जा रखे हैं, क्या संभावनाएं हैं पंजाब कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के चुनाव प्रदर्शन को लेकर, ये रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया। नासिर हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से हैं। नासिर, पंजाब कांग्रेस को लेकर कांग्रेस हाईकमान के सामने क्या क्या विकल्प आप देखते हैं और सिद्धू के राजनीतिक भविष्य को आप कैसे देख रखे हैं? ज्योति, अगर देखा जाए तो राजनीति में महत्वाकांक्षाएं बहुत मायने रखती हैं और जिस नेता में महत्वाकांक्षा ना हो वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। सिद्धू में बहुत महत्वाकांक्षा है और यही वजह है कि वो सम्मान की और अपने इज्जत की आबरू की बात कहते हुए बीजेपी से अलग हुए थे कि बीजेपी में उनको इग्नोर किया गया और 2017 में सिद्धू ने कांग्रेस का दामन थामा था और उस दौरान भी आम आदमी पार्टी में जाने की उनकी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन उनको कांग्रेस में अपना भविष्य नजर आया। कांग्रेस में सिद्धू ने अपनी जगह बनाई और इस वक्त कांग्रेस की स्थिति यह है कि पंजाब में कांग्रेस कैप्टन के साथ जाना चाहती है इलेक्शन में, लेकिन वो सिद्धू की कुर्बानी भी नहीं देना चाहती और सिद्धू को भी साथ रखा जाएगा। इस वक्त जिस तरह से सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर दोनों का दिल्ली का दौरा रहा और इस दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें देखी गई कि कैप्टन जो कई बार अपनी अहमियत का दर्शा चुके हैं, उनको दिल्ली आना पड़ा, उनको दिल्ली तलब किया गया और उनको वहां पहुंचना पड़ा। लेकिन इस वक्त जिस तरह से सिद्धू ने आम आदमी पार्टी
को लेकर बहुत सी बातें उनको लेकर चल रही हैं, उन्होंने तारीफ कर दी थी, तो इसको लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, ट्वीट थे, तो कुछ दिन में, एक दो दिन के अंदर फिर ये भी महसूस हुआ कि सिद्धू ने अब बादलों को घेरना शुरू कर दिया है, सुखबीर बादल और उनकी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा हरीश रावत ने बयान दिया था कि बहुत अच्छी खबर दो चार दिन में मिल जाएगी, तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू को भी तरजीह देते हुए कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। सिद्धू की नजर इस पर भी है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, हालांकि इस तरह की भी संभावना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह बरकरार रहेगी और नवजोत सिंह सिद्धू को हो सकता है उपमुख्यमंत्री बना दिया जाए चुनाव से पहले।